आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं हिडन डिटेल्स ऑफ महाराजा मूवी के। तो आई थिंक इसमें 20 प्लस हिडन डिटेल्स हैं महाराजा मूवी के बारे में। और ये वीडियो हमने लिया है मिस्टर फिल्मी चैनल से। अगर आपने नहीं देखा तो यू गाइज गो एंड चेकआउट हिज चैनल, करेक्ट? सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। नोटिस किया इस मूवी में हीरो का नाम तो महाराजा है लेकिन प्रोफेशन में वो एक बार्बर है। इस बंदे का नाम तो पुलिस है लेकिन असलियत में ये एक चोर है। फिर अगर ये सिंगम पुली के कैरेक्टर का नाम तो नल्ला सिवन है जिसका की मतलब होता है अच्छा सिवन, पर असल में ये एक रेपिस्ट है। और अच्छा इन सब के बाद मेन विलन अनुराग कश्यप के कैरेक्टर का नाम है सेल्वम जिसका की हिंदी में मतलब होता है धन संपत्ति या समृद्धि। पर ऐसा एक मीनिंग रखने वाला सेल्वम नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है? धन के लिए ही इसमें चोरी कर रहा है। बोले तो राजा नाम वाला इसमें स्माइल नहीं करता, पुलिस नाम वाला रूल्स फॉलो नहीं करता, अच्छा नाम वाला कभी अच्छाई नहीं करता, और धन संपत्ति समृद्धि नाम वाला तो भाई खुद उसके लिए चोरी करता है। मतलब इस मूवी में जिसका नाम जैसा है वो उसके ठीक उल्टा कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है ना इस मूवी के अंदर, ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है भाई, एक एक करके उन सबके ऊपर आज हम बात करेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो बस एक लाइक कर देना, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी सर। हाँ तो भाई पहले हम कुछ छुटकू मुटकू डिटेल्स को निपटा लेते हैं, उसके बाद बड़े बड़े मेन डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे। इस सीन पर महाराजा एक माँ बेटा वाली स्टैच्यू ले रहा था और जब एक्सीडेंट होता है तो महाराजा के हाथ से वो स्टैच्यू गिर जाता है, जहाँ में दिखाया गया कि स्टैच्यू की माँ वाला भाग तो पूरा टूट गया लेकिन बच्चा वाला भाग बच गया। ये सिंबोलिज्म था कि इस एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ मर गई लेकिन बेटी बच गई। और आगे हमें बाप बेटी वाला स्टोरी दिखाया भी जाता है लेकिन जब फिर रिवील किया जाता है कि वो बेटी महाराजा की नहीं सेल्वम की है, तो देखना वो स्टैच्यू क्योंकि बच्चा वाला भाग को भी टूटते हुए दिखाया है, जिसका मतलब उस एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ और बेटी कोई नहीं बचे। नेक्स्ट महाराजा के घर को एकदम शहर से बाहर दिखाया है, क्यों ये आप सब भी जानते ही होंगे, पर फिर भी इसलिए एक डायलॉग है। वाइफ के मरने के बाद से यहाँ रह रहा हूं। मतलब इससे पहले महाराजा कहीं और रह रहा था, शायद रोड के साइड में ही, पर उस एक्सीडेंट को देखने के बाद वो अपना घर बदल दिया। नेक्स्ट धना का बार में एंट्री करने के बाद उसके सर पर ऐसे लाइट दिखाया जाता है जो फोरशेडो कर रहा था कि गाड़ी सर्विस के लिए देने वाला वो हीरो का फैन तो असल में इनोसेंट है। इनका कहानी में असली विलन तो ये धना है, इसीलिए यहाँ पर ये डेविल सिंबोलिज्म। नेक्स्ट वर्धर राजन जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो साइड में हम कुछ महिला पुलिस ऑफिसर को देख सकते हैं जो कि बाल साफ कर रही है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ समय पहले पुलिस स्टेशन में महाराजा हंगामा मचाया था। बेस्ट कंटिन्यूटी डिटेल्स। नेक्स्ट पुलिस जब महाराजा के घर में आते हैं तो वो एक थाली भी देखती है जो ऑडियंस के लिए हिंट था कि ये सेल्वम गैंग का ही काम है। वैसे पुलिस वालों को तो पता चल जाना चाहिए था ना कि वो थाली वहाँ किसने रखी होगी। महाराजा दुकान पे था, बेटी बाहर, और वो आ भी गई तो आते ही उसके ऊपर अटैक हुआ, तो खाना बना के खाएगा कौन? सेल्वम गैंग। नेक्स्ट फिनोलेक्स, इसके ऊपर एक बार तो चर्चा बनता है भाई, इसका और विजय सेतुपति के कोई कनेक्शन है क्या? विक्रम में इनका एंट्री पे देखा था तो हम गिनना शुरू कर दिए थे, और अब इसमें भी दिखा, फिर हम गिनना शुरू किए तो भाई खत्म ही नहीं हो रहा है। ये फिनोलेक्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ, 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 अरे कितना गिना है भाई। देख कर ऐसा लगता है ये मूवी किसी प्रोडक्शन हाउस नहीं, फिनोलेक्स कंपनी ने ही बनाया हो, इतना सारे सीन में एड्स। हम सोच रहे हैं हैकर्स ने इसके लिए कितना चार्ज किए होंगे। नेक्स्ट डेट, इसमें प्रेजेंट का स्टोरी 2023 में चल रहा है, इसका काफी सारे डिटेलिंग हम देख सकते हैं। स्कूल में, महाराजा की सैलून में, पुलिस स्टेशन में, बच्चों की बस में, महाराजा के घर में, और हाँ महाराजा के फोन में भी। यहाँ भी एक स्मार्ट डिटेल्स है, जब कोई लाइव चैट कर रहा होता है या एक दो दिन पुराना मैसेज होता है तो वहाँ टाइम या वन डे टू डेज अगो दिखाना चाहिए। 2023 में ऐसा ही चल रहा था लेकिन यहाँ 19 फरवरी की डेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये 3 दिन से भी पुराना मैसेज है। और सच में ये कुछ दिन पुराना मैसेज ही होता है, ज्योति लौटने के बाद, महाराजा धना को मारने के बाद जाके वो यहाँ पुलिस स्टेशन आता है ना भाई, तो हाँ ये डेट वाली डिटेलिंग एकदम बढ़िया था। और जैसे महाराजा के घर में धना बोलता है, क्या बोल रहे हो, 13 साल से इसी का तो वेट कर रहे थे। उस हिसाब से पुराना स्टोरी को भी देखा जाए तो वो 2009 में चल रहा था। सैलून वाली सीन में सेल्वम पेपर पढ़ते टाइम हम देख सकते हैं, हाँ मतलब ये 2009 सितंबर की बात है, और प्रेजेंट में 2023 फरवरी चल रही है, तो 13 साल ही होगा ना भाई, सितंबर आने के आज जाके ना 14 साल होगा। मतलब सच में सेल्वम जेल में 13 साल से था, लेकिन इतना परफेक्ट डिटेलिंग करने के बाद भी एक छोटा सा मिस्टेक कर दिए। देखो ये लोगों की चेन ऑर्डर करने जाने वाली डेट है 2 जुलाई, तब सेल्वम बोल रहा था 2 दिन में इसका बर्थडे आ रहा है, अगर लेट होगा तो अभी से बता दीजिए। और 2 दिन बाद ही वो चेन लेने जाता है, और महाराजा के सैलून भी, लेकिन चेन रिसीव करने वाली डेट क्या दिख रहा है, 18 सितंबर। 2 जुलाई से सीधा 18 सितंबर, ये एक छोटा सा मिस्टेक था पर चलता है। नेक्स्ट, एक बात तो समझ गया, कूड़े के डब्बे के लिए तो नहीं आए। इंटरवल से पहले जब धना बताता है उनमें से एक तेरे एरिया के पुलिस स्टेशन में, पता कर सकता है तो कर ले, तब हमें समझ में आता है कि महाराजा पुलिस स्टेशन कॉम्प्लेन लिखाने नहीं, अपना दुश्मन को ढूंढ के बदला लेने के लिए गया है। पुलिस स्टेशन जाऊंगा,
जैसे तेरा सर काटा है वैसे उसका भी काट दूंगा। लेकिन पुलिस स्टेशन में आने के बाद भी वो तो सिर्फ पुलिस वालों की सेवा में लगा हुआ था। फिर वो अपना दुश्मन को कब ढूंढता और बदला कब लेता अगर वरदर राजन उसका मदद ना करता? तो भाई देखो नहीं, ऐसा नहीं है। महाराजा पुलिस स्टेशन में आते ही पूरा टाइम तो वो अपना दुश्मन को ही ढूंढ रहा था, वो भी एकदम प्रॉपर लिस्ट बना की। ज्योति बोली थी ना कि उसने जिसको धक्का दिया उसके पीठ में एक कान है, तो देखना महाराजा उस कान को ढूंढने के लिए हर पुलिस की पीठ चेक कर रहा था। पहले सब इंस्पेक्टर की पीठ चेक, चोर वाला पुलिस को मारते हुए पीठ चेक, उसके बाद वरदर राजन की भी पीठ चेक, शर्ट चेंज करते टाइम पुलिस की पीठ चेक, चाय गिराने के बहाने पीठ चेक, और तो और जब धाना का भाई भी पुलिस स्टेशन में आता है तो महाराजा उसे भी नहीं छोड़ता। लेकिन आखिर में वो कान उसे कहां मिलता है? नल्ला शिवन के पीठ पर। यही है ना जिसके पीठ पे कान है। लेकिन यहां तक आने तक तो हमें सब पता चल चुका था, पर उससे पहले स्टार्टिंग से वो जो सब दिखाते आ रहे थे कि महाराजा कैसे अपना दुश्मन को ढूंढ रहा था, भाई मस्त डिटेलिंग था। नेक्स्ट अब ये डिटेल्स मूवी में आगे आता है, पर अभी हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको हम पहले इस कैरेक्टर का सोच को दिखाना चाहते हैं। अब देखो ये सीन में नल्ला शिवन कुछ ऐसा बोलता है, अब छू के देखो, ओरिजिनल से भी अच्छा बना के दिया इंजीनियर। लेकिन भाई हिंदी डबिंग में इसे बदल दिया गया है, अब सबटाइटल पढ़ो कुछ और ही है। यहाँ नल्ला शिवन बता रहा है कि छू के महसूस करो, ये एक जवान लड़की की स्किन की तरह चिकनी है। ये डायलॉग नल्ला शिवन की स्वभाव, व्यवहार या कई लड़कियों के प्रति उसका विचार को दर्शा रहा था कि ये कितना एक नीच आदमी है। और आगे भी आपने देखा होगा ये डस्टबिन को वो खुद अपने हाथों से डैमेज करता है, जो कि अगेन वो क्राइम को फोरशेडो कर रहा था कि ज्योति का वो हाल किसने की होगी, और इस डस्टबिन की तरह ज्योति की दोषी भी यही है। अब भाई बस आगे की एक और डिटेल्स, जब ये सीन आता है सर, तो भाई गूस बम्स आ जाते हैं। सच में वरदर राजन की टर्निंग पॉइंट देखकर मजा आ गया था। पर क्या आपने नोटिस किया वरदर राजन ऐसा क्यों किए? क्योंकि सच में वो आज तक लोगों को लूटते आ रहे थे और अभी भी महाराजा को लूटने वाले थे 7 लाख कैश। लेकिन बात आ गया था बच्चियों के ऊपर, सब इंस्पेक्टर के बोलने पे ये क्या बोले थे याद है ना? जो होगा देखा जाएगा, यही हमारी बच्ची के साथ होता तो हम चुप रहते क्या? हाँ, तो बस इसे लेकर हम सोच रहे थे कि भाई ये इतना भावुक कैसे हो गया, इसका फैमिली को तो दिखाया भी नहीं है। तभी हम वापस रिवाइंड किए तो पता चला दिखाए है भाई, नल्ला शिवन वो डस्टबिन को तोड़ते टाइम वरदर राजन की फैमिली को भी दिखाए है, इसीलिए क्योंकि उसका एक बेटी भी है और इसके जैसे हरामी उसके घर पे भी आ जाते हैं तो ऑफिसर उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहते। पर ऐसा एक 2 सेकंड की सीन के लिए भी सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग के लिए नया एक्टर बुला के वो सीन शूट करना, भाई मेकर्स की मेहनत को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगला डिटेल्स वो सांप। वैसे तो इसका डिटेलिंग के बारे में ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सांप नल्ला शिवन का कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सांप वाले डिटेल्स को निपटा लेते हैं। देखो महाराजा के घर पर जैसे एक सांप गया था, वैसा ही एक सांप पुलिस स्टेशन में भी छिपकर था, ऐसा दिखाया गया है। और जैसे महाराजा उस सांप को पुलिस स्टेशन से पकड़कर निकलता है, देखने में ऐसा लगता है पुलिस वालों को उस सांप से बचाने के लिए ही महाराजा उस पुलिस स्टेशन में आया था, जिस छिपा हुआ सांप के बारे में कि पुलिस वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था। और ये बात नल्ला शिवन का कैरेक्टर के साथ भी जोड़कर देखे तो 100% मैच करता है। देखो पहले ये भी उस सांप की तरह महाराजा के घर में तो गया था, लेकिन सांप जैसे महाराजा को कोई चोट पहुंचाए बिना ऐसे ही चला गया, वैसे नल्ला शिवन भी महाराजा को कुछ किए बिना चला आया था। उसके बाद पुलिस स्टेशन में ये पुलिस इन्फॉर्मर के भेस में वो एक ऐसा हरामी बंदा था जिसके बारे में खुद पुलिस वालों को पता नहीं था, लेकिन महाराजा पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसका राज खुल जाता है। मतलब महाराजा पुलिस वालों को यहाँ से भी बचा लिया और वहाँ से भी। अब समझे वो वरदर राजन का रिएक्शन तब क्या होगा जब उसे पता चला होगा कि नल्ला शिवन एक हरामी है, सांप को पाल रहा, इसीलिए भी वो उस सांप को मारने दिए। लेकिन वो सांप नल्ला शिवन के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, इसका एक दूसरा भी रीजन है और वो है एनिमल मेटाफोर्स। हाँ, इसमें इसका भी भर भर के इस्तेमाल किया गया है। और हीरो को ईगल दिखाने के साथ विलन को वुल्फ दिखाया है। देखो पहले सेल्वम को वुल्फ क्या करता है, वो रात को शिकार करने के लिए बाहर निकलता है और हमेशा झुंड में जाता है, प्लस अपना फैमिली का भी कभी साथ नहीं छोड़ता। तो देखना सेल्वम भी लूटने के लिए रात को निकलता है, वो हमेशा अपने गैंग के साथ जाता है और एक वुल्फ की तरह अपना फैमिली को प्रोटेक्ट भी करता है, अब भले ही उसके लिए वो दूसरों को मार रहा हो। अब वहीं अगर महाराजा को ईगल की देखा जाए तो देखना ईगल को द किंग ऑफ स्काई भी कहा जाता है, और हीरो का तो नाम में भी राजा है, आपने देखा होगा। वैसे भी जैसे ईगल हमेशा अकेला शिकार के लिए निकलता है, वैसे महाराजा भी अपना रिवेंज के लिए अकेला निकलता है, आपने नोटिस किया होगा। तो अब हीरो को ईगल जैसे दिखाया है और उसमें मेटाफोर्स के लिए सांप को भी दिखाया है, तो आप समझ सकते हो वो सांप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था। ऑब्वियसली नल्ला शिवन यार, एक ईगल सांप का शिकार करने के लिए ही पुलिस स्टेशन आया था, जो कि सक्सेस हो भी जाता है। तो भाई अब समझे हम नल्ला शिवन को ही सांप क्यों बोल रहे थे। खैर वैसे अभी अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा हो कि ईगल या वुल्फ का रेफरेंस तो हमें पूरा मूवी
में नहीं दिखा तो भाई रुको जरा, सबर करो, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सेल्वम का इसमें एक ही सपना है, उसका बेटी को खुश रखना। मेरी बेटी को खुश रखना, ये जिंदगी में जो कुछ भी मांगेगी इसे सब दूंगा, इसके लिए पैसों की कमी नहीं होगी। और इसीलिए वो रोज चोरी भी करता है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, सेल्वम जब भी कहीं से कोई चोरी के सामान लाकर ज्योति को देता था तो वो मना कर देती थी। पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं देखो। चलो ठीक है, चोरी का सामान नहीं ले रहे बोल के दुकान से खरीद के वो जो चाहे उसे लाकर देना चाहता है। इसीलिए उसे दुकान में ले जाकर भी ज्योति को चुनने के लिए बोलता है। ये ओके।